आज के सेशन में हम आपके लिए एसएससी दिल्ली पुलिस के आपके जो एग्जाम हुआ था 8/12/2017 में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन प्रश्नों को कराऊंगा। और सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा जो यूनिक है थोड़े आपके, उन्हीं प्रश्नों को कराऊंगा। सिंपल प्रश्नों को नहीं कराऊंगा और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग का जो आगामी एग्जाम है उसमें पढ़ के जाएं। तो यहाँ से इस मेथड से आप लोगों को रीजनिंग के सवाल जरूर देखने को मिले। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। जैसे हमारा दिया गया है CRAP, इसको हम IMJK कैसे लिखेंगे, वैसे DINA क्या लिखेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, कभी भी इस टाइप के प्रश्नों को पूरा मत अलग करिए। मैं हमेशा बताता हूँ चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, आप ऑप्शन की मदद लीजिए, आप सेकंडों में आंसर लाएंगे। जैसे हमारा देखें सी से अगर देखें तो सी से हमारा देखें पहले यहाँ आई कैसे हुआ, क्योंकि आई कैसे हुआ तो इसमें +6 अक्षर हम आगे गए तब हमारा आई हो गया, +6 अक्षर आगे गए। अब देखिए इसको छोड़ दिए, पूरा नहीं देखना। अब हम पी को देखें के कैसे हुआ, जो हमारा पी है ये के कैसे हुआ, तो पी से हमारा जो के हुआ तो इसमें देखिए कितने अक्षर, इसमें हम -5 अक्षर पीछे जाएंगे, मतलब -5 अक्षर। देखिए पी से -5 अक्षर पीछे जाएंगे तो के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम इसमें देते हैं, इसमें देखते हैं, पूरा नहीं देखेंगे। अब डी में हम +6 करेंगे, डी में +6 अक्षर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे। देखिए क्या करेंगे हम, +6 अक्षर आगे जाएंगे। देखिए डी के बाद क्या होता है, DEFGHIJ, जे हो जाएगा। अब देखिए जे चेक करते हैं शुरू में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमारे बचे दो ऑप्शन बी और डी, अब हम क्या करेंगे लास्ट वाले को चेक करेंगे, अभी आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें लास्ट में पी से क्या हो रहा था, -5 अक्षर पीछे जा रहे थे, इसमें -5 अक्षर पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये देखना है। देखिए -5 अक्षर पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जेड हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा वी आएगा हमारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ये यू वाला गलत हो जाएगा। देखिए कितने सेकंडों में आंसर आ गए, आपको सिर्फ बताने में टाइम लग रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पूरा कभी भी नहीं हल करना है रीजनिंग के प्रश्नों को। देखिए सी से हमारा आई कैसे हुआ ये देखेंगे शुरू में, तो इसमें हमारा +6 अक्षर आगे गया है तो हमारा इसको, फिर लास्ट वाला देखेंगे पी से के कैसे हुआ, इसमें -5 अक्षर पीछे जाएंगे, उसी अनुसार इसमें +6 अक्षर आगे लेके जाएंगे जे हो जाएगा, और इसमें हम -5 अक्षर लेके जाएंगे पीछे तो हमारा भी हो जाएगा। जे और भी लास्ट में यही ऑप्शन है जिसमें जे और भी लास्ट में दिख रहा है, पूरा मत हल करिए, पूरा हल करने से कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके एग्जाम में टाइम बचत के लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में काफी अच्छा नंबर लाने में मदद करे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करिए। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मैं हमेशा रीजनिंग के जितने भी क्लास कराया हूँ सब में मैं यही बताता हूँ, अगर देखें संख्याएं धीरे धीरे बढ़ रही तो कुछ जुड़ रहा है, और धीरे धीरे कुछ कम कम घट रही समझ लीजिए कि माइनस हो रहा है। अगर अचानक सा बढ़ जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, समझ जाइए गुणा हो रहा है, और अचानक से बहुत ज़्यादा घट जा रही समझ जाइए भाग हो रहा है। अब देखिए 13 से हमारा 91 हुआ तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ तो गुणा हो रहा, तो हमको यही देखना है क्या गुणा हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखेंगे 13 से हमारा 91 कैसे हुआ, इसमें गुणा 7 करेंगे, 13 सते 91 हो जाएगा। अब उसी अनुसार हम इसमें भी इसका 7 गुणा करेंगे, हम गुणा 7 करेंगे क्या हो गया, 7 सता 49 हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको मेथड को बता रहा हूँ कैसे यूज करना है ताकि एग्जाम टाइम आप लोगों की बहुत ही मदद करे, कि किस टाइप के हमारे आपके जो पुलिस का एग्जाम हुआ था SSC दिल्ली का कैसे प्रश्न पूछे गए थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसमें प्रश्न में क्या कर रहा है, विषम संख्या युग्म को चुनना है। देखिए विषम संख्या युग्म क्या होता है, जैसे कि हम इन दोनों का जोड़े तो सेम आए, इनको भी जोड़े सेम आए, या इन दोनों को घटाएं तो सेम आए, मतलब जो चीज़ करना है सारे रूल फॉलो होने चाहिए सब सब ऑप्शन में, जितने भी चारों ऑप्शन दिए गए जिसमें फॉलो नहीं होगा वही हमारा विषम होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारा 42 से देखें तो 84 हो रहा है, तो मतलब इसका हम 42 को 2 गुना करेंगे तो हमारा ये 84 आ रहा है। अब देखिए 13 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, हमारा आना चाहिए 26, जो कि 25 आ रहा है। अब इसको भी चेक करते हैं, 17 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, और 24 का 2 गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। मतलब देख क्या रहे हैं कि हमारा 2 गुना करने से हमारा जो इधर वाली लास्ट वाली संख्या मिल रही है, 2 गुना दोनों में करने से पहली संख्या में, तो हमारा इसमें 2 गुना करने पर 26 आना चाहिए जो कि 25 आ रहा है, तो सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है।
देखिए सिंपल सा प्रश्न था, हम इस पहली संख्या को दो गुना करेंगे जो शुरू में लिखा गया है, दोनों को दो गुना करेंगे इसका तो हमारा ये आ जाएगा, इसका दो गुना करेंगे तो 34 आ जाएगा, 24 का दो गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा, मतलब सब में दो गुना हो रहा है, लेकिन इसका दो गुना करने पर 26 आना चाहिए जो कि 25 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें विषम है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसी टाइप का है, लेकिन इसमें आप लोग गलती कर देंगे, जल्दबाजी में गलती कर देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में इसमें भी विषम संख्या को पता लगाना है, विषम युग्म को चुनना है। देखिए जितने भी प्रश्न था आज हमारे जो है 8/12/2017 के जो शिफ्ट के पूछे हुए रीजनिंग के प्रश्न वही थे। अब इसमें पता करना, देखिए सेम संख्याएं दिख रही हैं, अब इसमें कैसे पता करेंगे? देखिए मैं आप लोगों को बहुत तुरंत बता दे रहा हूँ कैसे होगा, आप लोग नोट भी करिएगा। देखिए हमारा अगर इसको ध्यान से ऑप्शन को देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को, तो हमारा जो एक वाला है ये एक है, इसको हम अस्थाई रख दिए हैं, यहाँ पर अस्थाई रख दिए हैं, एक को तो हमारा लास्ट में रखेंगे और दो तीन को हम इसको क्या करेंगे उतार देंगे, वैसे देखिए सेम टू सेम कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो हम लास्ट में ले जाके क्या करेंगे, ये लास्ट जो पहला है इसको लास्ट में रख दिए और उसके बाद 5 2 को ऐसे ही उतार दिए, तो मतलब हमारा क्या हो गया, देखिए इसको हमने लास्ट में रख दिया और 5 2 को ऐसे ही उतार दिया, 523 हो गया। अब 4 को हम लास्ट में रख देंगे ले जाके, 4 वाला जो शुरू वाला है उसको लास्ट में रख देंगे और दो हमारी जो दो संख्याएं हैं उनको ऐसे ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको लास्ट में रख दिए, 4 हो गया, लेकिन अब इसको देखिए यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, 78 होना चाहिए था जो कि हमारा 87 लिखा गया, तो मतलब हमारा विषम यही है। ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलती कर देंगे, फिर से बता रहा हूँ, हमारा जो पहला है पहली संख्या उसको ले जाके लास्ट में रख देंगे और हमारा जो दोनों की लास्ट की संख्या उनको ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ भी इसको लास्ट में ले जाके लिख दिए उसके बाद 52 लिख दिए, यहाँ 4 को लास्ट में लिख दिए 61 लिख दिए, यहाँ 4 को लास्ट में लिख दिए, यहाँ पे 78 होना चाहिए था जो कि हमारा क्या लिखा गया है, 87 लिखा गया, यहाँ पे 78 होना चाहिए था। सबसे हमारा विषम यही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सेशन का, देखिए जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, मैं सारे प्रश्नों को कराऊंगा, आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। आपके एग्जाम तब प्रश्नों को ऐसे करा दूंगा कि जैसे हमारे जो SSC दिल्ली एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न थे, ताकि आप लोगों का जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पर जाएँ तो आप इस टाइप के प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाएँ, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्नों को आपके एग्जाम में पूछता है। जैसे ये प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए मस्तिष्क हो गया, फेफड़ा हो गया, शरीर हो गया, तो इसको कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखें तो जो हमारा शरीर होता है, ये हमारा मान लीजिए शरीर है, ठीक है शरीर है। अब शरीर के अंदर देखें मस्तिष्क भी आता है, हमारा मस्तिष्क आता और फेफड़ा भी आता है, ऐसा कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये बहुत यूनिक प्रश्न होते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आते, वो गलत करके बहुत सारे ऑप्शन को लगा देते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे या डी लगा देंगे, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आगामी आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हों। दोस्तों आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट जरूर करा करिए ताकि हमको भी पता चले कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, और अच्छी लगी हो तो आपके जितने भी दोस्त हैं तैयारी करने वाले हैं जिनका भी एग्जाम है उनके साथ आप व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी चलाते हैं वहाँ पर शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आप लोगों के लिए इसी तरह और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद।